शहीद कौशल कुमार रावत आगरा। 48 साल के कौशल कुमार रावत 1990 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वे सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे। वे 115वीं बटालियन में सिलीगुड़ी में नियुक्त थे। कुछ दिन पहले ही उनकी तैनाती कश्मीर में 76 बटालियन में हुई थी। वे ज्वाइन करने के लिए पहुंचे ही थे कि आतंकी हमला हो गया। शहीद के पैतृक निवास आगरा के करही गाँव में जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ आया तो पूरे गाँव की आंखें नम थी। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद मुखाग्नि दी गई। शहीद कौशल कुमार रावत पंच तत्व में विलीन हो गए। ऐसे दुख के क्षण में देश के वीर बेटे को देश सलाम कर रहा है। दुख और गर्व के इस मंजर में कश्मीर से आने वाली बर्फीली हवाएं मानो शहीद को छूने के लिए बेताब थी, तो सूरज उस वीर सपूत को देखने के लिए, आकाश अपने अनंत में समेटने के लिए और धरती इस वीर सपूत को अपने गोद में लेने के लिए बेताब थी। वहीं शहीद को अंतिम विदाई देने आई हजारों की भीड़ ने देश के वीर जवान को सलाम किया। आज गांव में उनकी बहादुरी के किस्से हर किसी के जुबान पर हैं। ये देश कौशल कुमार के बलिदान को हमेशा याद रखेगा।